भाभी तो हमेशा ही बहुत खूबसूरत लगती है और मुझसे बेटर लगती है, और मैंने थोड़ी सी मेहनत कर ली इस बार कपड़ों पर और अपने आप पर, तो मैं थोड़ा ठीक लग रहा हूँ। अच्छा, झलक से आप अभी अभी बाहर आए हैं, तो कोई ऐसी मेमोरी आप शेयर करना चाहो झलक से? सबसे पहले तो मैं वाबिस को थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैंने झलक वाबिस की वजह से किया था। मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं था झलक करने के, और वाबिस ने मुझसे कहा जाओ जाकर थोड़ी डांसिंग करो, लाइफ में कुछ डांस करना सीखो। तो यही कहूँगा कि जो भी मेमोरीज हैं वाबिस की वजह से मेमोरीज हैं, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि पहले मैं नॉन डांसर हुआ करता था, अब मैं थोड़ा बहुत डांस करना तो सीख ही गया। आई मस्ट एड हियर दैट आई एम सो हैप्पी कि उसने झलक किया, बिकॉज ही इज रियली मेड आवर होल फैमिली सो प्राउड। ही इज डन सो वेल, आई थिंक ही वाज वन ऑफ द बेस्ट ऑन द शो। फ्रॉम अ नॉन डांसर टू अ डांसर, ही हैड एन अमेजिंग जर्नी। वेल इंडीड ही इज बाबीज। अगर कोई ग्रेट क्वालिटी इफ यू वांट टू शेयर अबाउट विवियन, तो आप क्या शेयर करना चाहोगे? आई थिंक वन इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली आई लव हिम डीपली। उसकी बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है, लेकिन जो क्वालिटी हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके बारे में, कि वो सबको सताता है, वो सबको इरिटेट करता है, मस्ती करता है, बट लेकिन सबको पता है कि वो दिल का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही काइंड हार्टेड है, एंड ही इज अ लविंग हस्बैंड। सेम क्वेश्चन गोज टू विवियन, आप क्या शेयर करना चाहोगे? देखो, मैंने 3 साल पहले किताब लिखनी शुरू की थी, आज तक लिख रहा हूँ। जिस दिन पूरी हो जाएगी मैं आपको सारे पेजेस पढ़ के सुना दूंगा। गुड क्वालिटीज ऑब्वियसली, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे वाबिस की हंसी बहुत पसंद है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, वो हमेशा हंसी रहती है और एटमोसफियर को लाइट रहने देती है। तो आई थिंक और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाबिस का जो दिल है वो एक शी इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड पर्सन, और कहीं ना कहीं उस दिल में एक छोटा सा बच्चा छुपा हुआ है जो सारे दिन सिर्फ हंसते रहना चाहता है। सो आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो, जो मेरे मूवी के प्रोड्यूसर्स हैं वो IT अवार्ड्स के भी प्रोड्यूसर्स हैं, द ग्रेट प्रोड्यूसर्स शशि जी एंड अनु मैम। ऑफ कोर्स इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, एंड विनोद सर इज द डायरेक्टर, एंड आई होप आप सब आके पिक्चर देखें और आपको मजा आएगा। इनका ये रिश्ता एक्साइटेड, ऑफ कोर्स एक्साइटेड है। एक बहुत लंबी जर्नी रही है हमारे शो के लिए, एंड आई थिंक इट्स अ टीम एफर्ट जो आज भी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। ऑफ कोर्स फैंस का प्यार है जो हम लोग इतने साल काम करते ही गए, एंड आई जस्ट फील लकी टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ बिग शो। कुछ ना कुछ तो मैंने उनमें देखा ही होगा कि उन्हें सिलेक्ट कर लिया पूरी जिंदगी भर के लिए। आई थिंक दैट स्पीक्स इट ऑल। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। जो बन रहे हैं अभी, पहले एक्टर्स को बताते नहीं थे, अब बता के शॉट्स लेते हैं। हाँ जी बताइए। पहले मैंने और ईशा को पूछ रहा हूँ, साथ में मेरा भी हाथ पकड़ के लेके चलो आगे। शॉट्स ठीक है, शॉट हुए क्या? शॉट नहीं, वेट वेट जी, आ जाओ साथ में। अच्छा साथ में बोल रहे थे शॉट्स से आप? शॉट्स है मतलब मैं समझ ही नहीं। करण करण, ओके रेडी। आज अकेले आएंगी वो, थोड़ा सा काम में बिजी थी इसलिए वो आई। अच्छा नंदिश, ये बताइए कि व्हाट्स अ ग्रेट थिंग यू वांट टू शेयर अबाउट योरसेल्फ? वन ग्रेट थिंग आई वांट टू शेयर अबाउट माय सेल्फ, मतलब अपने मुंह मियां मिट्टू बने। आई थिंक ग्रेट थिंग्स शुड ऑलवेज बी सेड बाय अदर पीपल, अपने बारे में
बड़ाई नहीं करनी चाहिए, बट वन थिंग गुड दैट आई वुड से आई वुड वांट टू शेयर अबाउट मी इज दैट आई लाइक टू ड्रेस अप वेल एंड दैट समथिंग गुड अबाउट मी. ड्रेस अप वेल से याद आया कि आप बहुत जेंटलमैन लग रहे हैं. व्हाट यू वांट टू शेयर अबाउट योर थैंक यू फॉर दैट. वेल इट्स अ सिंपल सूट, इट्स नथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी. खाली जो मेरे डिज़ाइनर हैं मिस्टर गुप्ता, उन्होंने ये सूट डिज़ाइन किया है. आई थिंक द क्रेडिट गोज़ टू हिम इफ आई एम लुकिंग गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू.